गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ललित कुमार सैनी एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सोवस एरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर। सो टुडे आवर टॉपिक इज पीडीए। पीडीए मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटन। पीडीए स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रीवियस कंसेप्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसका एक रिव्यू हमने यहाँ पर दिया है इस पीडीएफ के अंदर। एंड द पीडीएफ सेज डैट एंड दिस स्क्वायर सेज डैट कि रेगुलर ग्रामर जो है जनरेट करती है रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है फाइनाइट ऑटोमेटा जो एक मशीन होती है। लेकिन प्रॉब्लम जो रहती है फाइनाइट ऑटोमेटा जब हम बनाते हैं या फिर रेगुलर लैंग्वेज पढ़ते हैं या फिर रेगुलर ग्रामर पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि हाउ टू फाइंड आउट द लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि अगर हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर पीडीएफ में दिखाया है, हमारे पास दो सॉल्यूशन हमने दिए हैं। द फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए हम कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं तो वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज होगी। एंड सेकंड इज़ अगर रेगुलर ग्रामर हमारे पास है तो वो रेगुलर लैंग्वेज ही जनरेट करेगी। इट मीन्स अगर कोई रेगुलर ग्रामर कोई लैंग्वेज जनरेट करती है तो वो रेगुलर लैंग्वेज होगी। बट फिर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये पता करना कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं। इसके लिए कोई यूनिवर्सल तरीका हमारे पास नहीं है बेसिकली। तो हम सेकंड अगर पेज पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमने पहले फाइनाइट ऑटोमेटा आपको पढ़ाया था तब हमने देखा था कि जनरली हम जो फाइनाइट ऑटोमेटा आपको पढ़ा रहे थे या फिर जो हम बना रहे थे उसमें एक कॉमन जो चीज़ थी वो ये थी जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा हम बना रहे थे उसमें कोई पर्टिकुलर हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे। सीक्वेंस मीन्स सीक्वेंस ऑफ अ सम कैरेक्टर ऑफ अ इन ए स्ट्रिंग। जैसे कि स्ट्रिंग की शुरुआत जो है वो ए बी से हो रही है, स्ट्रिंग की शुरुआत 101 से हो रही है, स्ट्रिंग की शुरुआत में 11131 है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, या फिर एंड स्ट्रिंग कुछ भी किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से हो रही है, जैसे कि 01 से ऑर्डर हो रही है, जो हमने यहाँ पर दिखाया भी है आपको 3 या 4 एग्जांपल से। किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में हम ऑर्डर जो है आराम से रिमेम्बर कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि हमारे पास कोई ये इनिशियल स्टेट है जिसको हमने बोल दिया कि 0, और इस पे हमने अगर इनपुट दिया ए तो वो सेम स्टेट पे रहेगा Q0 पे। लेकिन जैसे ही हमने कैरेक्टर बदला यानी कि ए के बाद अगर बी आया तो हम स्टेट जो है वो चेंज कर देंगे Q1, और उसके बाद अगर जितनी बार भी बी आएगा हम स्टेट Q1 पे रहेंगे। तो ऑर्डर रिमेम्बर करना बहुत आसान होता है क्योंकि हम फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टेट चेंज कर देते हैं, Q0 से हम Q1 के ऊपर ट्रांसफ़र हो गए। दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जैसे ए की पावर 3 है और बी की पावर 2 है तो इसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अगर यही पावर ए की पावर n है और बी की पावर n है, यानी कि n जो है n इज इनफाइनाइट, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है तो उस केस के अंदर हम इस चीज़ को हम एक्सप्रेस नहीं करते फाइनाइट ऑटोमेटा से, हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो पीडीए है बेसिकली। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए या फिर उनके लिए जो मशीन बनाई जाती है या फिर मशीन की जो ज़रूरत होती है वो एक पावरफुल मशीन की ज़रूरत होती है, और वो पावरफुल मशीन जो है वो पीडीए कहलाती है, मींस पुश डाउन ऑटोमेटा। इसका भी कंसेप्ट हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो मैं जो स्क्वायर बना रहा हूँ इसमें आप देखिए कि ग्रामर लैंग्वेज और पुश डाउन ऑटोमेटा में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है एक मशीन जिसको बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। और इसका भी सेम वही प्रॉब्लम रहता है कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान नहीं रहता, बहुत
तो इसका कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है। सो इसके लिए सेम वही दो मेथड है जैसे हमने पिछली बार किए थे कि अगर कोई भी किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर हम पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं तो वो लैंग्वेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। और अगर किसी लैंग्वेज को सी एफ एल नहीं नो ये दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ हम करेक्शन कर देते हैं। अगर किसी भी लैंग्वेज को सी एफ जी जनरेट करता है, सी एफ जी मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो जनरेट करती है, तो वो लैंग्वेज जो है वो डेफिनेटली जो है वो सी एफ एल हो गया। सी एफ एल मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। ओके, तो थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा जो है उसको हम कुछ टपल्स से, सेवन टपल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, सेवन टपल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कुछ टपल इसमें सेम है जो फाइनाइट ऑटोमेटा में थे और कुछ टपल हमने इसमें एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो क्यू मीन्स, क्यू मीन्स फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट मीन्स जैसे Q1, Q2, Q3 या फिर इनिशियल स्टेट Q0। ओके, सेकेंड इज इनपुट अल्फ़ाबेट। इनपुट अल्फ़ाबेट मीन्स जैसे A B C 1 0 2 3, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। एंड Q0 इज अ स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट स्टेट मीन्स दिस वन Q0, ठीक है। एंड F मीन्स फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मीन्स ये जो हमने स्टेट बताई है इसके अंदर कोई कोई ना कोई स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट होगी। जैसे Q3 को अगर हम फाइनल ले लेते हैं तो Q3 जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डबल डबल सर्कल के थ्रू। ओके, एंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमने जो है वो दो या तीन एक्स्ट्रा हमने टपल्स का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें हम स्टैक का यूज़ करते हैं। बेसिकली दिस इज स्टैक। इस स्टैक का जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें बॉटम के अंदर या फिर इनिशियल लेवल के अंदर हम एक सिंबल का यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे Z0, जो इनिशियल सिंबल रहेगा या फिर बॉटम ऑफ द स्टैक हम उसको बोल सकते हैं बेसिकली। और बेसिकली इसको बोलते हैं टॉ। दिस इज टॉ। इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। टॉ जो होता है वो स्टैक का अल्फाबेट होता है। जनरली हमारी जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग या फिर हम कहेंगे जिसको टेप, कि ये हमारी स्कैनिंग टेप है जिसमें सिंबल है ABC। तो जनरली जो हम एग्जांपल देखते हैं उसमें जो टेप के ऊपर जो सिंबल होता है, जैसे अभी हम स्कैन कर रहे हैं ए को, तो स्टैक के अंदर भी हम जनरली जो है वो, जैसे हम ये टेप का जो है सिंबल हम ए जो है वो स्कैन कर रहे हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं कि इसी सिंबल को ही जो है वो हम पुश कर देते हैं ए को। तो अगर यहाँ पर Z0 है तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन हम ए की जगह कोई दूसरा सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैसे ए की जगह हम ले ले 1, बी की जगह हम ले ले 2 और सी की जगह हम ले ले 3। ऐसे कुछ भी हम ले सकते हैं, ऐसे विश रैंडमली हम ये कर सकते हैं बेसिकली। एंड डेल्टा इज अ ट्रांजेक्शन फंक्शन। बेसिकली ट्रांजेक्शन फंक्शन हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में भी पढ़ा था और यहाँ भी हम पढ़ेंगे, बेसिकली वो सेम है। तो जस्ट ए मिनट। ओके, तो PDA जो है वो दो तरह के होते हैं, DPDA एंड NDPDA। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ा था। दो तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये सेम कैटेगरी जो है वो इसमें ही है, डिटर्मिनिस्टिक PDA एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। तो इसके अंदर अगर हम पावर की बात करें तो NDPDA की जो पावर है वो DPDA की पावर से ज़्यादा होती है बेसिकली। ओके, तो अगर हम इसमें आगे जाते हैं तो ये एक सिंपल सा डायग्रामेटिकल व्यू है PDA का। PDA के अंदर ये एक इनपुट टेबल लिखा हुआ है, लेकिन ये होना चाहिए अपने पास टेप, इनपुट टेप। तो इनपुट टेप के अंदर कुछ सिंबल लिखे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है X, X, Y, Z।
और एप्सिलॉन लिखा हुआ है, एप्सिलॉन का मीन्स है टेप जो है वो एंड हो गई है, एप्सिलॉन शो करता है टेप इज एंडिंग, यानी कि हमारी स्ट्रिंग जो हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो गई है। एक हमारे पास हेडर है जो कि टेप के सिंबल को रीड करता है और फाइनाइट कंट्रोल यूनिट को वो ट्रांसफ़र करता है। प्लस हमारे पास कुछ स्टैक, एक हमने पीडीए के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ जो हमने ऐड की है वो स्टैक है। इसके अंदर हम पॉप कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं और एक और कर सकते हैं ऑपरेशन जिसको बोलते हैं स्किप, स्किप भी इसमें कर सकते हैं। Z0 है वो स्टैक का इनिशियल सिंबल है। ओके, अगर हम केवल इस सेक्शन की बात करें, इस वाले सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा को शो करता है। लेकिन अगर हम इन दोनों सेक्शन के प्लस की बात करें, यानी कि ये और ये बोथ की अगर बात करें, तो ये पीडीए का डायग्राम है। ट्रांजेक्शन फंक्शन अगर हम देखें तो ट्रांजेक्शन फंक्शन जो है फाइनाइट और ऑटोमेटा में थे। डेल से हम ट्रांजेक्शन फंक्शन को शो करेंगे। क्यू जो है, बेसिकली क्यू जो है वो है सेट ऑफ स्टेट। सेट ऑफ स्टेट जैसे हमने पहले ही बताया था, इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स थे, जैसे Q1, Q3, Q4 जो भी है इस तरह से था। तो ट्रांजेक्शन फंक्शन का मीन्स है, अगर हम हमारे पास हम किसी स्टेट में हैं क्यू में, और हम सिग्मा मीन्स कोई इनपुट सिंबल अगर हम देते हैं, इनपुट सिंबल देते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं किसी नेक्स्ट स्टेट पे। दिस इज़ अ फाइनल ऑटोमेटा। और डिटर्मिनिस्टिक पीडीए के अंदर क्या होगा कि हम किसी क्यू पे, यानी कि हमारे पास कोई किसी हम किसी स्टेट पे हैं, यानी कि हम किसी स्टेट पे, जैसे Q0 पे हैं, अगर हम कोई इनपुट सिंबल इसमें देते हैं, इनपुट सिंबल जैसे टेप से अगर हम इनपुट सिंबल अगर इसमें ए हेडर यहाँ पे है, तो हम जो है दिस इज़ द इनपुट सिंबल। एंड टॉ, टॉ मीन्स स्टैक में कोई हम ऑपरेशन करेंगे, स्टैक ऑपरेशन यानी कि पुश पॉप और स्किप करेंगे, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम एक नेक्स्ट स्टेट पहुँच जाएंगे, मतलब क्यू पे पहुँच जाएंगे। हम किस पे पहुंच जाएंगे, क्यू पे पहुंच जाएंगे। बेसिकली हम पहुंच जाएंगे Q1, या फिर हम उस पे भी रह सकते हैं सेम पे भी, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेट पे, कोई भी स्टेट आएगी, सेम भी आ सकती है, कोई और अलग भी आ सकती है। ओके, और टॉ, टॉ का मतलब है कि कोई स्टैक का कोई भी ऑपरेशन होगा बेसिकली। और सेम यही जो है कंसेप्ट यहाँ पर है NDPDA के अंदर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सेम वही चीज़ होती है, लेकिन हम एक से ज़्यादा स्टेट पे पहुंच सकते हैं, 2 की पावर Q स्टेट्स पे। ओके, यानी कि Q0 से हम पहुंच सकते हैं Q1 पे भी और Q2 पे भी, या फिर और भी कहीं कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली स्टैक के जो ऑपरेशन होते हैं वो ये टॉ स्टार है, वैसे बेसिकली टॉ स्टार जो हमने यहाँ पर इसमें शो किया है कि इसमें शो शो जो हमने किया है बेसिकली। ओके, अगर हम देखें तो स्टैक ऑपरेशन को हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, इससे पहले स्टैक ऑपरेशन को देखने से पहले हम एक सिंपलर सी डेफिनेशन पीडी की देते हैं कि इफ़ वी आर गिवन मेमोरी कैपेबिलिटी टू फाइनाइट ऑटोमेटा, इट इज़ कॉल्ड पीडीए, दिस मशीन इज कॉल्ड पीडीए। तो स्टैक ऑपरेशन जो है और ट्रांसलेशन फंक्शन जो है उनका डायग्रामेटिकल व्यू हमने यहाँ यहाँ पे दिखाया। फर्स्ट है पुश, सेकंड है पॉप, और उसके बाद हम स्किप पढ़ेंगे। तो बेसिकली पुश में हमने दिखाया क्या है, दिस इज इनपुट टेप जो हम ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और आगे जो भी होगा, या फिर हम एप्सिलॉन में लगा सकते हैं। तो अगर हम Q0 पे हैं, या फिर हम इनिशियल स्टेट पे QI, कोई भी स्टेट है QI, तो पुश ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, दिस इज अ पुश ऑपरेशन। एंड हम पढ़ेंगे QJ। तो इनिशियल लेवल की बात करते हैं, इनिशियल मींस स्टैक में कोई भी सिंबल नहीं है बेसिकली। तो स्टैक जो है वो ये है जिसमें केवल कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब Z0 है इनिशियल सिंबल, वही है। तो अगर हम इस अब हमारा हेडर ए पे है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ए ए मतलब जो हमने सिंबल स्कैन किया है वो स्टैक के ऊपर जो सिंबल है, स्टैक
के अंदर जो सिंबल है, सबसे ऊपर जो सिंबल है वो अभी जेड जीरो ही है, क्योंकि हम इनिशियल लेवल पे ही है जेड जीरो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सिंबल है इसको हम पुश कर रहे हैं, यानी कि ये वाला सिंबल है, सेम सिंबल को अभी हम सेम सिंबल जो टेप में है उन्हीं को ही हम पुश करते हैं बेसिकली। तो हम क्या करते हैं कि ए को हम पुश करते हैं, हम क्या करेंगे पुश ए, पुश ए सिंबल। तो जेड जीरो के ऊपर हम ए को पुश कर देंगे, ए को हम पुश कर देंगे। तो हम हमारे पास स्टैक में कौन कौन से सिंबल आ गए, ए जेड जीरो बेसिकली, इसके बीच में कॉमा है इस कॉमा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि चेंज क्या है। तो इसमें क्या है कि ए जो है वो स्कैनिंग सिंबल है, जेड जीरो स्टैक का सबसे ऊपर का जो अभी जेड जीरो है। और बाद में हमारे पास कंडीशन क्या है, हम स्टेट पहुंच गए हैं क्यू जे पे, हम पहुंच गए हैं क्यू जे पे और स्टैक के जो सिंबल है ए जेड जीरो है। तो इस तरह का अगर ट्रांजेक्शन लिखे आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है वो पुश ऑपरेशन हो रहा है बेसिकली। और अगर ट्रांजेक्शन फंक्शन की बात करें जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम दोबारा समझा देते हैं कि ट्रांजेक्शन फंक्शन में लिखेंगे कि हम स्टेट क्यू आई में हैं, ए हमारा स्कैनिंग सिंबल है और जेड जीरो स्टैक का सिंबल है, स्टैक के सबसे ऊपर जो है टॉप पे जो है। और इससे हम पहुंच जाते हैं क्यू जे पे जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है, और जो है स्टैक के सबसे ऊपर का सिंबल है ए जेड जीरो, ये दोनों सिंबल स्टैक के सबसे ऊपर है। ओके तो अगर हम पुश की बात करें, पुश जो जो ऑपरेशन है, तो इसमें इनपुट टेप है, इसमें हमारे पास सेम वही है क्यू आई, क्यू आई पे हम हैं। ओके इसमें हम पहुंच गए हैं क्यू जे पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस डायग्राम के तौर पे, तो हमारे पास टेप जो है वो इसमें जो सिंबल है वो है ए जो अभी स्कैन हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो स्टैक में जो सिंबल है, स्टैक में सबसे इनिशियली जेड जीरो और एक्स और वाई। सिंबल टेप के सिंबल से अलग हो सकते हैं जो हमने पहले ही बताया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम क्यू वन से क्यू जे पे जाते हैं, तो हम स्टैक में से सबसे ऊपर का जो सिंबल है बेसिकली, तो उसको हम पॉप कर देते हैं, पॉप वाई। तो इसमें हमारे पास रह जाएगा एक्स अभी इसके बाद। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि हमारे पास जो है ए है, इसके ऊपर लिखेंगे कि ए हमारा सिंबल स्कैन हुआ है कॉमा, स्टैक के सबसे ऊपर का सिंबल जो है वो क्या है वाई है। और उसके बाद हमारे पास जो है सबसे ऊपर का जो सिंबल है वो हमारे पास हो गया है एक्स। तो ये हमें देख के समझ जाना चाहिए, अगर सिंबल अगर चेंज होता है, सिंबल अगर चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई, यानी कि जो ऊपर का सिंबल है वो पॉप हो रहा है बेसिकली। तो अगर अगर इसको हम ट्रांजेक्शन फंक्शन में हम अगर लिखेंगे तो सेम वैसे ही है, क्यू आई स्टेट, ए हमारा स्कैनिंग सिंबल है, वाई हमारा सबसे स्टैक के ऊपर का सिंबल है, सबसे टॉप पे जो है। और इसके अंदर क्यू जे करेंगे और सबसे ऊपर का सिंबल हम दिखाएंगे एप्सिलॉन। इसकी कहानी हम समझा देंगे कि एप्सिलॉन क्यों लिखा, एप्सिलॉन मतलब सबसे ऊपर कोई भी सिंबल नहीं है बेसिकली अभी, तो इसलिए हम इसको एप्सिलॉन से शो करते हैं। तो पुश के लिए जो ऑपरेशन है, सॉरी पॉप के लिए जो ऑपरेशन है, उसके अंदर ट्रांजेक्शन फंक्शन हम इस तरह से लिखते हैं। और अगर हम बेसिकली इसके अगर हम बाद में देखें, तो हमारे पास स्किप ऑपरेशन होता है। स्किप का मतलब है कि हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, स्टेट भी चेंज कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम स्टैक के अंदर ना तो पॉप कर रहे हैं ना हम पुश कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास टेप के अंदर ये अभी जो सिंबल है वो स्कैन हो रहा है, वो ए हो रहा है, और हम क्यू आई पे हैं, स्टेट क्यू आई पे हैं, इसको इनिशियल मान सकते हैं। और स्टैक के अंदर जो सिंबल है एक्स जीरो और जेड जीरो, ऑपरेशन के बाद स्किप के बाद भी वो सिंबल जो है वो सेम है,
बेसिकली। तो हम एरो की के ऊपर जो ट्रांजेक्शन डायग्राम में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे क्यू आई से हम पहुंच जाते हैं क्यू जे पे। स्टैक का सॉरी टेप का जो सिंबल है वो ए है, और स्टैक का सबसे ऊपर का सिंबल है एक्स जीरो, और उसके बाद स्टैक का जो सिंबल है वो सेम जो है वो है एक्स जीरो। इट मीन्स कोई भी ऑपरेशन जो है वो स्टैक में परफॉर्म नहीं हुआ है, इसका मीन्स स्किप ऑपरेशन हुआ है बेसिकली। और इसको अगर डायग्रामेटिकली हम दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि दिस इज़ एक्स जीरो, दिस इज़ जेड जीरो स्टैक, और ऑपरेशन के बाद भी हमारे पास जेड जीरो है और एक्स जीरो है, सेम है। ट्रांजेक्शन फंक्शन के फॉर्म में अगर हम शो करेंगे तो क्या करेंगे, हम क्यू आई पे हैं, हमारे पास टेप का सिंबल है ए, और स्टैक का सबसे ऊपर का सिंबल है टॉप पे जो है वो एक्स जीरो है, और उसके बाद हम ट्रांजेक्शन फंक्शन शो करेंगे। इसके बाद हम पहुंच गए हैं क्यू जे पे जो ये है, और हमारे पास स्टैक के ऊपर का जो सिंबल है वो है एक्स जीरो। इट मीन्स दैट इज़ अ ट्रांजेक्शन फंक्शन फॉर अ स्किप ऑपरेशन बेसिकली। तो यहीं पर हम एक इंट्रोडक्शन जो है इसको एंड करते हैं, दिस इज़ द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आपको तीनों ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।